राधे राधे, जय माता दी, जय माता। आ गया आपका अपना जतिन राजपाल। तो आज हम आए हैं कुरुक्षेत्रा, धर्मनगरी कुरुक्षेत्रा में ब्रह्म सरोवर एक्सप्लोर करने। तो चलिए, तो आज चल रहे हैं हम कुरुक्षेत्रा धाम, ब्रह्म सरोवर दर्शन करवाएंगे आपको। तो ये प्लान थोड़ा जल्दी जल्दी में बना, तो आपको गाड़ी में बैठ के बताता हूँ। तो पहुँच गए हैं गाड़ी के पास और भाई भी आ गया। गाड़ी के हालात के ऊपर मत जाना, क्योंकि हम दुकानदार हैं, टाइम हमारे को संडे को ही मिलता है गाड़ी उठाने का। तो चलो मिलते हैं आपको, तो इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ये अपने योगेश भाई हैं, पारुल को आप जानते होंगे, जैसे आपने पुरानी वीडियो देखी होंगी। तो ये अपना पारुल भाई, और हम जा रहे थे, मैंने जाना था कुरुक्षेत्र और इन्होंने जाना था करनाल। तो सोचा क्यों दो व्हीकल करें, तो एक ही पे चलते हैं। तो चलो से अपना बस का सफ़र शुरू होता है करनाल से कुरुक्षेत्र का, जो कि सिर्फ आधे घंटे का है। तो कुरुक्षेत्र नगरी में पहुंच चुके हैं हम, जो धर्म नगरी कुरुक्षेत्र है, पहुंच चुके हैं हम। तो अभी चलते हैं आगे, अपने भाई को मिलते हैं। चलो अब इसमें नोट मत करना कि हम हेलमेट डाल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, मिलते हैं। देख लो क्या काम चल रहा है, आए क्या काम थे, और यहाँ क्रिकेट का मैच देखना पड़ रहा है। चलो थोड़ी देर देखते हैं। तो क्रिकेट का मैच खत्म हो गया है और अब हम चल रहे हैं, पहले कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद ब्रह्म सरोवर जाएंगे। वहाँ की परिक्रमा की सोच रहे हैं कि देखते हैं परिक्रमा करेंगे। तो चलो पहले कुछ खा भी लेते हैं। तो जी ब्रह्म सरोवर पहुंच चुके हैं और भीड़ देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ भीड़ कितनी जबरदस्त है। तो ये भीड़ इस कर गया है क्योंकि आज गीता जयंती का लास्ट डे है। आज है 19 दिसंबर और गीता जयंती का लास्ट डे है। तो पहले पेट पूजा करते हैं। यहाँ आ गए हम ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल गेट के सामने, छोले भटूरे की स्टॉल है, तो पहले ये खाते हैं, उसके बाद करते हैं। ब्रह्म सरोवर में पहुँच चुके हैं हम, यहाँ से आप देख सकते हो कि कितना बड़ा है। ज़्यादा नहीं कहता, 4-5 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग होगा। मेरे सामने जो मंदिर दिख रहा है ये हाफ जाएगा यहाँ से। तो चलो चलते आगे। ये अपना भाई आकाश है, जो मेरे को लेने आया था बस स्टैंड पे।
और अब हम चल रहे हैं आगे परिक्रमा करने हैं। तो देखिए आप क्राउड कितना है यहाँ पे। फुल क्राउड है यहाँ पे और एक से एक एक्टिविटी देखने को मिलेगी आपको। तो अभी आगे चल के दिखाते हैं। तो इन भाइयों को देख सकते हैं कैसे इतने बड़े बड़े बन के घूम रहे हैं ये। तो यहाँ हर जगह पे साउंड वगैरह बहुत कुछ लगा हुआ है और सिक्योरिटी भी पूरी दे रखी है। तो आप सामने देख रहे होंगे जो सीएम सिक्योरिटी वाले बंदे होते हैं वो लोग भी घूम रहे हैं और बीएसएफ के जवान भी देखे हैं मैंने यहाँ पे। तो मतलब एक टाइप से सुरक्षा का बहुत ध्यान दिया गया है। तो चलो और यहाँ पे देखिए ये घोंसले कितने प्यारे लग रहे हैं मुझे, मैं इनको छोड़ नहीं सकता। तो ये देखो आर्ट के मैंने यहाँ पे बहुत चीज़ नोट करी है, यहाँ पे लेडीज़ का बहुत सामान है, जेंट्स का कुछ भी नहीं है कि हम कुछ खरीद सके। तो ये देखो लेडीज़ साइड बैग वगैरह बहुत कुछ है, ये टॉयज़ बच्चों के लिए, लेडीज़ सूट्स, छत्तीसगढ़ की वैराइटीज़ और लेडीज़ पंजाबी जूती भी है यहाँ पे, जेंट्स कुछ भी नहीं। तो अपने माथुराम वाले यहाँ पे भी हैं, यहाँ जलेबियाँ तैयार हो रही हैं उनकी। तो चलो राजस्थानी स्टाइल में ठुमके लग रहे हैं अंकल के यहाँ पे, तो देख सकते हो आप। तो चलो तो नेक्स्ट देखिए आप सिराधे। ये हो क्या बात है भाई साहब, एक नंबर।
पहले भैया खड़े हैं, उसके ऊपर एक हांडी, तो एक भैया ऊपर है, कॉफी लेडीज वैरायटी। तो यहाँ पे जितना भी कुछ है लगभग लेडीज का है, ये देखो, फिर पर्स। तो भाई को भी जाना था, भाई चला गया है, तो अब हम अकेले ही एक्सप्लोर करेंगे। चलिए, हम भी परिक्रमा करते हैं और बाहर की तरफ चलते हैं। ऊपर चल रहा है वहां पे सामने डांस, तो एक बार वहां चल के डांस और देखेंगे। यहाँ चल रहा है फुल एंजॉय, तो ये देखो भाई सब लोग। अपनी हाल परिक्रमा पूरी हो चुकी है, तो जल्दी हम पूरी कर लेंगे। तो मैंने जैसे ही आपको पहले भी बताया था और एक बार फिर बता रहा हूँ, मेरे को आधे से ज़्यादा हो गया ब्रह्म सरोवर घूमे। मैंने अभी तक एक भी स्टॉल नहीं देखी जो जेंट्स आइटम की हो, सभी की सभी लेडीज आइटम की। लकड़ी से बनी आइटम, लकड़ी लोहे से, डिजाइनिंग बहुत जबरदस्त लग रही है। डाइनिंग सेट भी। लकड़ी से बनी आइटम है, बहुत कुछ है यहाँ पे। अपनी परिक्रमा पूरी हो चुकी है ब्रह्म सरोवर की, तो एक बार मंदिर में भी दर्शन कर लेते हैं और फिर चलते हैं। बाबा के दर्शन भी कराए हैं अंदर, और अब हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।